हाय गाइस, हमने ये फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोगों ने सारा डेटा रिट्रीव करवा लिया है सेलेक्ट का यूज़ करके, साथ में एक बटन भी बना दिया है। अभी होना ये है कि जिस भी डिलीट बटन पर आप काम करेंगे सॉरी जिस भी डिलीट बटन पर आप क्लिक करेंगे उसका डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, अचीव करना है कि कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस हमारा जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस हमारा हमारा जो क्या बोलते हैं सिनेरियो है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली चीज़ हमें डेटा रिट्रीव करना है बटन के साथ, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट चाहिए, और डेटा चूंकि डिलीट होना चाहिए तो इसके लिए आपको डिलीट भी चाहिए, यानी कि दो दो स्केल की क्वेरीज आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी। ऊपर से दिखाता हूँ, कनेक्शन बना लिया है। कनेक्शन बनाने के बाद डिलीट का अभी रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोड। नीचे HTML देखिए, हम लोगों ने HTML लिखा है, बूटस्ट्रैप यूज़ किया है मैंने। डेटा को रिट्रीव करने के लिए मैंने सेलेक्ट का यूज़ किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, देन प्रिपेयर किया, बाइंड किया, एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ रॉज निकाला, और ये टेबल के फॉर्म में हमें दिखाई देता है सारा डेटा। ये हमारा टेबल बंद, जीरो रिजल्ट, अगर कुछ भी डेटा नहीं होगा तो जीरो रिजल्ट आएगा। और यहाँ नीचे हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लोज किया है, कनेक्शन को क्लोज किया। ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है ये वाला प्रिपेयर स्टेटमेंट जो सेलेक्ट में बना है। अब आते हैं डिलीट वाले में, डिलीट वाला जो बटन जो डिलीट करने का क्वेरी लिखा है उसमें, अगर डिलीट बटन पर क्लिक होता है, हम लोगों ने चाहा है कि डिलीट बटन पर क्लिक होने के बाद डिलीट हो, तो उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया इज सेट डिलीट। अगर डिलीट बटन पर क्लिक होता है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का कोड कहता है कि एक क्वेरी बनाओ जो कि कहता है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID ? प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया, सब कुछ सही रहा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर का कोड हमने लिखा हुआ है कि बाइंड वेरिएबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट एज पैरामीटर। यहाँ हम लोगों ने आई लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। हमने यहाँ आई लिख दिया हुआ है, ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमें वैल्यू देना पड़ेगा, तो यहाँ मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ। वैल्यू कहाँ से आएगा? वैल्यू आएगा इसमें से। अब ये क्या है भाई, तो इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे, जिस भी इनपुट का आईडी वैल्यू होगा, नेम वैल्यू आईडी देखिए यहाँ पर होगा, बटन में क्लिक होने पर। तो बटन में हमने हिडन तरीके से ऐसा कोड लिखा हुआ है कि वहाँ जब भी क्लिक होगा तो आईडी यानी कि जो हिडन इनपुट होगा वह हमें वैल्यू देगा आईडी का कि किस आईडी पर क्लिक हुआ है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है एक्शन, ये वाला मेथड, पोस्ट, इनपुट, टाइप है इसका हिडन, इसका ये काम का चीज़ है और ये काम का चीज़ है, दो चीज़ें काम की चीज़ें। नेम आईडी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इनपुट को एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ? यहाँ, देखिए यहाँ पर हमने एक्सेस कर लिया, यानी कि ये जो भी वैल्यू जनरेट करेगा वह वैल्यू कौन, देखिए ये जो हिडन फील्ड है, इनपुट हिडन, ये जो भी वैल्यू जनरेट करेगा ये वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया है, कहाँ? यहाँ। सो होता ये है कि जब भी डिलीट बटन पर क्लिक होता है तो उस डिलीट बटन के करस्पॉन्डिंग आईडी का क्या वैल्यू है, यहाँ पर देखिए आईडी का क्या वैल्यू है, उस आईडी का वैल्यू यहाँ वैल्यू बन जाता है, और इस वैल्यू को हम लोग इसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि अल्टीमेटली उसका जो वैल्यू है इस आईडी में आकर असाइन होता है, जो मिलता है यहाँ और यहाँ से मिलता है यहाँ, और ये चलता है और ये डिलीट कर देता है उस डेटा को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस आईडी में वैल्यू कैसे आता है, इस आईडी में वैल्यू आता है सेलेक्ट ऑल से। हमने यहाँ सेलेक्ट ऑल का पहले से लिख के रखा हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है सेपरेटली भी। सो ये क्या करता है, फेच करता है सभी डेटा को, आईडी, नेम, एक एक करके एक एक रॉ को, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, जब तक डेटा रहेगा, फैच होता रहेगा तब तक ये वाइल चलता रहेगा। सो मान लीजिए कि मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मुझे डिलीट करना है रानी को। मैंने जैसे ही डिलीट में क्लिक किया, रानी वाले डिलीट में क्लिक करते ही इसका जो आईडी है वह आईडी असाइन हो जाएगा यहाँ इस इन हिडन वाले फील्ड में 5, और इस 5 को हम लोग इसके थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है 5, यानी कि इस वेरिएबल में 5 असाइन होता है, यानी कि यहाँ 5, और यहाँ से पास होता है यहाँ 5, बाइंड है ये दोनों इसीलिए, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 5, यानी कि 5 वाला आईडी आपका डिलीट हो जाता है। सेव किया, एक बार करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश किया,
यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ देखिए 5 अभी यहाँ डेटा है और यहाँ भी 5 डेटा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा 5 डेटा गायब यहाँ आपको दिखाई देगा, 1 रॉ डिलीटेड। और यहाँ भी रिफ्रेश करेंगे तो आपका 5 जो है रानी यहाँ से गायब हो जाएगी। ओके सो यही है आपका डिलीट कैसे करना है फ्रंट एंड से। होपफुल्ली सबको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। देखिए डाउट तभी होगा जब आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिक से मेरा मतलब है कि अगर आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, कंटेनर यहाँ क्या कर रहा है, यानी कि आपको बूटस्ट्रैप पता नहीं है, एचटीएमएल पता नहीं है, या फिर आपको पता नहीं है कि हिडन इनपुट कैसे काम करता है, या फिर कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं इनपुट फील्ड्स को पीएचपी में, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता है तभी डाउट होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों में डाउट है कि कैसे ये एक्सेस हो रहा है वहाँ यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे यहाँ आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें डाउट है, इसका मतलब ये है कि आपने कोर पीएचपी और एडवांस पीएचपी का अभी तक का जो वीडियो है उसको ठीक तरीके से देखा नहीं है, या फिर आपने कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं। सो अगर ऐसा कुछ डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ें पर्टिकुलरली फॉलो करें, हर वीडियो को फॉलो करें। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बकवास करता हूँ मुझे पता है, लेकिन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।